श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 135वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस आयोजन का सबसे खास बात यह है कि यहाँ भजन कीर्तन के साथ साथ यहाँ आप देखिए कि हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूं कहे तो इस आयोजन में हर तबके के लोग हैं। अब प्रोफेशनल की बात करें तो देखिए हमारे साथ दो डॉक्टर मौजूद, हम इनसे जानते हैं कि सर आज का जो आयोजन है 135वां ठाकुर जी के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है, लेकिन आज के युवा इन सब चीज़ों से क्यों जुड़े? देखिए एज ए डॉक्टर हम बोलना चाहते हैं कि ठाकुर जी भी एक डॉक्टर थे, तो जब उन्होंने देखा कि लोग शारीरिक रूप से तो ठीक हो जा रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं हो रहा है, तब उन्होंने एक सत्संग की स्थापना की जहाँ पर मानसिक रूप से लोगों को ठीक किया जाए। मन बीमार है आज के लोगों का, इसलिए मन को ठीक करने के लिए जितना जल्दी हम शुरुआत करें, अपने कम उम्र में शुरुआत करेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुंदर होगा। इसलिए सत्संग यंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है, आजकल के जो युवा नौजवान बच्चे हैं इन सारी चीज़ों को तकिया नुसी मानते हैं, नहीं आना चाहते हैं, इस सब को मजाक उड़ाते हैं आज के जनरेशन में, तो उसको आप कैसे संदेश देंगे? एक्चुअली मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि सत्संग को जनरल लाइफ से हम लोग अलग करके देखते हैं। एक्चुअली सत्संग जो है हमारा जनरल लाइफ जो है वो भी एक सत्संग ही है हम, लेकिन इस लाइफ को सुंदर करने के लिए ही सत्संग से जुड़ते हैं, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करें। हम जो जी रहे हैं वो पैटर्न और ये सत्संग का पैटर्न अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये जब मन में आ जाएगा लोगों को, तब अपने आप सत्संग में लोग जुड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप कैसे सर इस चीज़ को देखते हैं? देखिए हर मनुष्य चाहता है बचना बढ़ना। एक मनुष्य जो बीमार हो, हम लोग देखते हैं जो पैरालाइज्ड पेशेंट है, पड़ा हुआ है, उसकी एक इच्छा होती है कि क्या मैं जीवित बच पाऊंगा या नहीं, और उसके बाद होता है कि मैं चल पाऊंगा, बोल पाऊंगा, खाना खा पाऊंगा, पहले की तरह एक्टिविटी कर पाऊंगा या नहीं। तो ये है बचने और बढ़ने का आग्रह, ये प्रत्येक मनुष्य में है, और प्रत्येक मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव में है। एक मच्छर भी आपके शरीर पर बैठेगा, आप उसको मारिएगा, वो बचना चाहता है। तो बचने बढ़ने का आग्रह जो है वही हमारा वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ है। जो आदमी एक बिजनेसमैन है वो सोचता है कि मैं बिजनेस को कैसे अच्छा ढंग से बढ़ाऊँ, एक लॉयर चाहता है कि मेरा कितना अच्छा से लॉ प्रैक्टिस कर पाएंगे, डॉक्टर चाहता है कितना, यानी विद्यार्थी चाहता है मैं ज़्यादा नंबर कैसे ला पाऊँ, कम पढ़ करके कैसे लाऊँ। तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का एक चाहत प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, स्त्री हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो सकता है, भारत पाकिस्तान कहीं का भी आदमी होगा। ये बचने बढ़ने का आग्रह, ये मनुष्य का आग्रह, ठाकुर जी बोलते हैं यही धर्म, बचने बढ़ने का आग्रह को सिंचित जो करता, जो आचार, जो व्यवहार, जो सोच विचार कर्म हमको बचने बढ़ने और बचाने बढ़ाने की ओर अग्रसर करता है, वही धर्म। इसलिए ठाकुर जी ने संक्षेप में कहा है सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहे, संप्रदाय धर्म नहीं है। हम अपने बचने के साथ साथ मुझे यह समझना होगा कि मैं अपने परिवेश के लिए कितना दायित्वशील बन रहा हूँ। मैं आज बहुत धनी बन जा रहा हूँ लेकिन अपने परिवेश को दुखी देख के मेरा मन द्रवित नहीं होता, मैं उसे एक रोटी तक नहीं खिला सकता, मेरा बड़ा बनना बड़ा नहीं बनना होगा। हो सकता है परिवेश मेरा किसी दिन मेरे घर में आके रॉबरी भी कर सकता है, तो ये मेरे बढ़ने का भी जो मार्ग है वो अवरोध कर देगा। इसलिए ये बचने बढ़ने को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए ठाकुर जी बोले हैं कि हम लोगों का काम है कि सामंजस्य बैठाना, किस में, ईश्वर में, अपने में और अपने परिवेश में। इसीलिए ज़रूरत है उस चीज़ को जानने के लिए, उससे व्यक्तित्व से जुड़ने के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर हैं हमारे साथ और जो बता रहे हैं कि ठाकुर जी के अनुसार व्यक्ति जो डॉक्टर होते हैं या फिर वो मानसिक तो ठीक, शारीरिक तो ठीक करते थे, मानसिक ठीक नहीं कर पाते, जो ठाकुर जी के अनुसार ये मानसिक ठीक किया जा सकता है। इस सत्संग में शामिल होकर के आप अपने महत्वाकांक्षा जो है उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं। फिलहाल की इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।